बहुत बहुत सालों बाद कृपया आरती दिन कर दी। अब मैं आगे इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग मिशनरी बहुत पुराने समय से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते आ रहे श्रद्धेय आरपी सिंह जी, मैं उनसे निवेदन कर जाती है भाषा बदले लोग भी आए। यहाँ हजारों में हर कॉलोनी में लाखों एम्प्लॉय होंगे मगर किसी को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। वो संपन्न हो गए, वो टीवी तक सीमित हो गए, ना धन से मतलब है ना समाज से मतलब है। और जब अपने आप में सामर्थ्यशाली हो गए हैं तो जाकर के अपने समाज के दुख दर्द को भी हम लोग जाकर के उन समाज को नहीं पूछते जिनके प्रताप से हमें आरक्षण का लाभ मिला, हमने वजीफा लिया, हमको नौकरी मिली और हम इस स्टेज पे आए। ये हमको सोचना चाहिए। बच्चे सामर्थ्यशाली हो गए वो काम बच्चों पे छोड़ना चाहिए। धर्म के बारे में आदरणीय मंगू सिंह जी ने बहुत गहराई से बता दिया। बौद्ध धर्म जो है अपने आप में साइंटिफिक सिद्धांत अपने आप में पूर्ण करता है। और आज के इस द्वंद में दो इशू हैं, एक अंबेडकरवाद का या एक ब्राह्मणवाद, जो शुरुआत से जब देश आजाद हुआ था तब से ही चलता आ रहा है। जो 1947 से 1950 के बीच का अंतराल था, जो 1947 से 1950 26 जनवरी का था, उस दौरान में चालाकपन जो इस देश की सत्ता की की पे आ गए वो अपना परिवार, उस समय मिडिल भी बहुत होता था, मिडिल को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, वो समाज पूरी की पोस्टों में बैठ गया, फोर्थ क्लास में बैठ गया। तो भैया चूहे का जाता जाया तो भट खो देगा। हम लोग जब खेती तक रहे, हम कुर्बिया तक रहे, आज हमको यहाँ तक मिल गया तो हमको अपने लोगों में बदलूंगा। वो लोग अपने आप को चस्का लग गया उनको, उनके बच्चे भी उसी लाइन में जा रहे हैं। और हम कहते हैं ये राजनीतिक लोग या सामाजिक लोग जरूर कहेंगे, जब तक इस देश का नौजवान और इस देश का अधिकारी जो बुद्धिजीवी अधिकारी है वो नहीं सोच एक बनाएगा तब तक देश की सत्ता किसी भी कीमत में बदलने वाली नहीं है। जब अधिकारी ईमानदारी करेगा, जैसे बहन ने कहा काफी देर में मशीनों में, अगर अधिकारी का विवेक होगा ईमानदारी करेगा और नौजवान ईमानदारी से वोट करेगा सत्ता तुरंत बदल जाएगी, इसको रोकने वाला नहीं। वरना अगर दोनों में से एक भी बेईमान है तो सत्ता बदलने वाली नहीं है। मैं देख रहा हूं आज भी हमारे ही लोग जाम हो रहा रोड, जिधर देख रहे हैं उधर ही गुलाल और वो माता के उसे पानी में फिलहाल जा रहे। अरे बड़े अफसोस की बात है, भले आदमी सीख जाओ एक दूसरे से। और भैया मैं तो निवेदन करूंगा, आदरणीय मंगू सिंह जी ने बहुत कुछ बता दिया, अपने आप को एक ईंट के समान समझो। ये पांचों अंगनी के बना हाथ भी तैयार होगा, हाथ के और समाज भी इसी तरह एक एक के बगैर समाज में परिवार नहीं बनता, फिर समाज बनता है, फिर तहसील जिला इस तरह से आकर के बनता है। तो भाइयों सबसे पहले छोटा बनो, सबसे पहले ये बनो कि मुझे ये धमकाएगा, मुझे जूता दिखाएगा तो मैं